हाय नेचुरल ब्यूटीज, कैसे हैं आप सब? तो 2021 का फर्स्ट वीडियो है ये। मैं सोच रही थी कि क्या डालूँ जिससे आपको भी मज़ा आ जाए वीडियो देखकर। सो मैंने इस वीडियो में एक नया टॉपिक लिया है, डाइल्यूटिंग लिक्विड्स फॉर शैम्पू। ये अगर आपने नहीं सुना है तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना। ये वीडियो सब लोगों के लिए है, बट स्पेशली जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है हेयर केयर करने के लिए, उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर। चलिए, हेयर ग्रोथ या हेयर लॉस के लिए शैम्पू डाइल्यूटिंग लिक्विड हम बनाते हैं, क्योंकि आप इसे स्टोर कर सकते हो अच्छे तरह। देखिए, इतना बड़ा बाउल लिया है मैंने, इसमें मैं एक एक करके आपको नेचुरल हर्ब्स दिखाऊंगी। उसका पाउडर मैं डाल रही हूँ। ये जो अभी मैं डाल रही हूँ, ये है ब्रह्मी और भृंगराज का मिक्सचर है। तो मैंने अमेजोन से भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो कोई भी आप आयुर्वेदिक शॉप चले जाओगे वहां पे भी आपको पैकेट्स में मिल जाएगा। तो ये है ब्रह्मी और भृंगराज का मिक्स। ये दोनों हर्ब्स बहुत अच्छे काम करते हैं। अगर आपको लीफ फॉर्म में मिलता है तो आप लीफ भी डाल सकते हो। ये है ब्रह्मी और भृंगराज। सारे चीजें इक्वल क्वांटिटी में ले लेना। अगर आप एक कप ले रहे हो तो सारे का एक कप ले लीजिएगा। समझ लो, ये मैंने 4 बड़े चम्मच लिया है। नेक्स्ट ये है शिकाकाई का पाउडर, तो मैं इसके 5 चम्मच डालूंगी। ये है शिकाकाई का पाउडर मैंने डाला है, सोप नट भी बोलते हैं ना। अब मैं ले रही हूं आंवला का पाउडर। ये आंवला का पाउडर है, इक्वल क्वांटिटी में ले रही हूं। ये है ड्राइड करी लीफ। ये अगर आपको पाउडर के फॉर्म में मिल जाता है, आप पाउडर भी डाल सकते हो, क्योंकि ये भी हमारे हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है नीम। ये नीम के पाउडर में बस इचिंग का प्रॉब्लम है तो आप, मैंने डैंड्रफ के लिए, इची स्कैल्प के लिए भी, डाइल्यूटिंग लिक्विड शैम्पू का वीडियो बनाया है। इसका मैं 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे आपको बगल में लिस्ट दे दिया होगा क्या क्या हर्ब्स डाले हैं। अभी ये नाइट टाइम है तो मैंने ये सारे पाउडर्स डाल लिए। इसको आपको नॉर्मल वाटर से फिलअप करना है और इसको ढक के पूरा ओवरनाइट के लिए छोड़ना है। वो पानी आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो। डाइल्यूटिंग लिक्विड के लिए मैं हमेशा राइस वाटर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि राइस भी आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपके बालों को सिल्की करने के सो हेल्प करता है। वाटर मतलब राइस वाटर हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कुक होने के बाद निकालते हैं ना, वो आपको स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। वो भी मैं आपको बताऊंगी एक अलग वीडियो में कि मैं कैसे यूज करती हूँ। जो पानी हम राइस को वॉश करने के लिए यूज करते हैं वो वाटर है, तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। इसमें मैं होममेड, ये हेन्ना पाउडर है, तो मैं इसके 2 से 3 चम्मच डालूंगी। अगर आपके पास मार्केट वाला है तो आप उसके डाल दीजिएगा। ये हमारे बालों को कलर भी देगा और कंडीशनिंग भी करेगा। देखिए, अभी आपको इसको अच्छी तरह मिक्स कर लो ये पानी में। देखिए कितना पानी में ले रही हूँ, आपको दिख रहा है? हाँ। आप इसको ज्यादा भी बना के रख सकते हो। ऑलरेडी मैं भी बहुत ज्यादा ही बना रही हूँ। आपको ऐसे मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अभी हमें इसको कवर करना है और इसको आप ओवरनाइट के लिए छोड़ देना। मिलती हूँ नेक्स्ट डे, बाय, गुड नाइट। देखिए, हमने ओवरनाइट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था ना, इतना सारा पाउडर डाला है ना हमने, इसलिए पानी का कलर चेंज हो गया। अब हमें इसको गैस पे रखना है। आपके अकॉर्डिंग आप कितना भी बना सकते हो, इससे ज्यादा भी बना सकते हो, इससे कम भी बना सकते हो। अगर आप पहली बार ये रेमेडी ट्राई करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ही मेरे ये रेमेडी को ऐसे ही ट्राई करोगे। ये पानी को हमें आधा नहीं करना है, हमें बस 3 से 4 उबाल आ जाएगा ना तो काफी है। जब ये बॉइलिंग स्टेज आ जाएगा ना, थोड़ी देर तक रखना और उसको बंद कर देना, बस काफी है। इसको आधा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये बॉईल हो रहा है ना। देखिए ऊपर आपको, क्योंकि हमने सोप नट डाला था ना, ये उसका झाग है। देखिए ये ना बॉईल हो गया है, ऑलमोस्ट बॉईल हो रहा है। इतना बॉईल, देखिए ये पूरा झाग। इतना झाग आएगा तो काफी है। आप
बंद कर लीजिएगा, स्विच ऑफ कर लीजिएगा फ्लेम। देखो अच्छी तरह बॉईल हो गया है, बस इतना काफ़ी है। सो मैंने स्विच ऑफ कर दिया है, उसको कूल होने देती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। सो देखिए ये पानी कूल हो गया है, या कोई भी आपके पास कोई भी एम्प्टी कंटेनर है उसमें आप उसको स्टोर करके फ्रिज में उसको हम स्टोर कर सकते हैं। सो मैं इसको अभी फिल्टर करती हूँ। देखिए मैंने इसको एक अच्छी तरह कंटेनर में डाल लिया है। इसको मैं कैसे यूज करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। सो आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ वेस्ट हो गया, ये वेस्ट नहीं हुआ है। आप लोग इसको हेयर पैक की तरह यूज कर सकते हो। ये हम मिक्सी में डालकर थोड़ा सा कर्ट मिक्स करके अच्छी तरह उसको हेयर पैक। सो ये रहा जो पानी हमने निकाला था, ये रहा डाइल्यूटिंग लिक्विड और ये आपका हेयर पैक या हेयर मास्क का काम कर। ये देखिए बहुत थिक है इसकी कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हो। और सो ये तो हेयर मास्क की तरह काम आएगा। सो इसको 2 से 3 दिन खराब नहीं होगा, आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। और इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ इन, सो मेन प्रोडक्ट यही है तो इसके बारे में बात करते हैं। और इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ और आपको कैसे यूज़ करना चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो ये रहा हेयर लॉस एंड हेयर ग्रोथ का डाइल्यूटिंग लिक्विड। सो मैंने इसको एक ग्लास में ले लिया है जिससे कि मुझे इजी हो जाए डालने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि प्रेजेंट मेरे घर में कौन से शैम्पूज यूज़ किए जाते हैं। मैंने एक स्टार्टिंग में वीडियो बोला था कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल शैम्पू होगा तो नॉट टू वरी, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी करके। उन लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ जो जिनको जैसे केमिकल शैम्पूज पसंद होते हैं, क्योंकि मतलब बहुत से रीज़न होते हैं। किसी को स्मेल की वजह से पसंद होता है, किसी को वो शैम्पू उनको सूट करता है इसलिए यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट सो ये जो भी आप शैम्पूज देख रहे हो ये सारे मैंने 2020 में उसको यूज़ किए हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ये मेरे 2020 के फ्यू बॉटल्स है, स्टार्टिंग के मैंने नहीं रखा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं यूट्यूब में आऊँगी इसलिए। सो अभी प्रेजेंट मेरे पास एक कलेक्शन है जो मैंने 2020 में यूज़ कर लिया। अभी मेरे घर में देखिए मेरे भाई को ये ट्रेसेमे शैम्पू बहुत पसंद है, और मेरे मम्मी पापा ये जो नाइल का शैम्पू आता है। सो देखिए ये आपको बहुत ही बड़ा बॉटल से दो, ये अमेजोन में मैंने मंगाया था क्योंकि ये इन लोग यही यूज़ करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पैराबेन फ्री। सो पैराबेन फ्री, ओनली पैराबेन फ्री है ये, और पीएच बैलेंस है, मतलब बाकी के जो केमिकल्स है वो है इसमें। अब ये ट्रेसेमे आप देख सकते हो, ये ट्रेसेमे भी बहुत ही लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नो डाई नो पैराबेन। सो सबके अलग अलग चॉइस होती है, सब लोग यूज़ करते वैराइटीज ऑफ शैम्पूज यूज़ करते, तो हम किसी के ऊपर, मेरा ओपिनियन मैं किसी के ऊपर थोप नहीं सकती। सो उनको ये शैम्पूज को थोड़ा सा मैं डाइल्यूटिंग कर मेरे इफेक्टिव लिक्विड के साथ जो मैंने आपको बना के दिखाया। सो उसको मैं कैसे मिक्स करती हूँ मैं आपको बता दी। देखिए तो ये सारे के ऊपर रिव्यू करूंगी। सो आप एक कोई भी एम्प्टी कंटेनर ले लेना, कोई भी शैम्पू, आप कोई भी केमिकल शैम्पू यूज कर सकते हो। सो ये शैम्पू को आप एक कंटेनर में ट्रांसफर कर लेना। सो देखिए ये कंटेनर में मैंने कोई भी आप शैम्पू लेना, आधा भर लेना। और अभी ये जो मैंने लिक्विड बनाया ये हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस के लिए, सो मैं इसमें उसको भर दूंगी, मतलब जो बाकी का यही पोर्शन है मैं इसको ये लिक्विड से भर दूंगी। सो देखिए मैंने आधा शैम्पू से भरा था, बाकी का मैंने ये डाइल्यूटिंग लिक्विड डाला है। सो उसको मैं अच्छे तरह शेक कर दूंगी। सो ये देखिए मैंने उसको अच्छे तरह मिक्स कर लिया है। तो देखिए ये है हमारा डाइल्यूटिंग लिक्विड फॉर शैम्पू, या शैम्पू डाइल्यूटिंग लिक्विड कुछ भी कहो आपकी मर्जी। सो इस तरह मैं डाइल्यूट करके वॉशरूम में रख देती हूँ। सो कैसे लगा आपको? सो ये कितना अच्छा काम करेगा वो आपको कब पता चलेगा, जब आपको आप अपने शैम्पू में डालोगे इसे और यूज़ करते रहोगे। सो आप सोचोगे कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बना दिया है, नहीं एक्चुअली मुझे इसमें से मैं अपने फ्रेंड्स को भी दूंगी। सो ये है मेरा डाइल्यूटिंग लिक्विड फॉर हेयर ग्रोथ एंड हेयर लॉस के लिए। कैसा लगा आपको
अगर अच्छा लगा हो तो बना के ज़रूर यूज़ कीजिए। ये एक्चुअली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब भी आपको ख़त्म हो जाता ये आप स्टोर कर सकते हो अच्छे तरह। मैं इसमें से थोड़ा ही देने वाली हूँ, फिर बाकी का मैं स्टोर करके रखूँगी। तो आप भी अच्छे तरह फ्रिज में उसको स्टोर कर सकते हो, जब जब हो जाएगा तब निकाल के आपके शैम्पू में आप डाल लीजिएगा। सो इस तरह मैं यूज़ करती हूँ, और इस तरह मैं किसी भी केमिकल शैम्पू या कोई भी शैम्पू को आप इस तरह उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हो। सो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, उसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, और ऐसी चीज़ें जो ऐसी वीडियोज़ होते हो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हेयर तो सबको पसंद है, बिकॉज बाल लंबे तो सबको चाहिए। सो बाल लंबे होना ही वन ऑफ द रीज़न नहीं होता है, उसको मेंटेन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बाल लंबे हो या छोटे हो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो ऐसी छोटी छोटी हम चीज़ें करेंगे तो तभी हमारे बाल भी अच्छे रहेंगे। सो मेरे वीडियोज़ ऐसे ही देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।